हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं प्रिया कैसे हो आप सब आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आई करवाया जिससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई जो कि कंटिन्यू नहीं की गई फिर मैंने आई करवाया जिससे मुझे ट्रेंस प्रेगनेंसी हुई और मेरे दो बेटे हैं जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का वो मैं यहाँ पर वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करती रहती हूँ तो आज की वीडियो हो, होने वाली है कि फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफर कैसे किया जाता है Uh, बहुत बार ऐसा होता है कि uh, जैसे आई में सबसे पहले आपको आपको ना इंजेक्शन्स लगते हैं uh, अंडे बनाने के लिए और फिर आपका एग रिट्रीवल होता है और उसके बाद फिर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है uh, कई बार तो ये सारी जो चीज़ होती है ये पूरा प्रोसेस होता है वो एक ही साइकिल में हो जाता है लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है uh, कि आपकी किसी वजह से uh, जो है एग्रीटेबल हो जाता है एम बना लिए जाते हैं और उनको फ्रीज कर दिया जाता है जैसे मेरे फ्रीज़ कर दिए थे मुझे जब मेरे एम्ब्रियो ट्रांसफर करने लगे थे तो मेरी ना यूट्रस में डॉक्टर को थोड़ा सा ब्लड दिखाई दिया था तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं करूँगी कि अंदर जाके एम्ब्रियो वेस्ट ना हो जाए और कोई प्रॉब्लम हो है ना तो उन्होंने क्या किया मेरे एम को फ्रीज कर लिया और उसके बाद Uh, मैं बताती हूँ कि कैसे वे उस टाइम पे तो फिर मुझे नो बेबी नो 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 तो उस टाइम पे मुझे नॉर्मल पीरियड्स आ गए फिर मुझे दोबारा आपको दोबारा बुलाया जाएगा जब आपके पीरियड्स का सेकेंड डे होता है तब आपको बुलाया जाता है जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर करना होता है चाहे वो फ्रोजन हो फ्रोजन uh, एम्ब्रियो की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ तो अगर आपके काफ़ी टाइम निकल चुका है आपके सिर्फ एम्बरी बना के रखे हुए हैं तो मैं आपको उसके बारे में बता रही हूँ कि तब क्या किया जाएगा तो आपको पीरियड के सेकेंड डे पर बुलाया जाता है और फिर आपको ना एक दवाई स्टार्ट कर दी जाती है जिसका मेन जो मकसद होता है वो होता है कि यूट्रस की लाइनिंग को अच्छा करना मोटी करना यूटर्स की लाइनिंग मैंने अभी कल परसों की वीडियोस में बताया है क्यों ज़रूरी होती है क्योंकि उसके ऊपर जो बेबी है वो चिपकता है अपनी जड़ें पक्की करता है तो इसलिए उसका मोटी होना और उसके अंदर ब्लड का अच्छा सर्कुलेट होना बहुत ज़रूरी होता है तो वो कम से कम जिसकी मतलब जो लाइनिंग है वो कम से कम सात एम तो होनी चाहिए वैसे तो आठ एम कहते हैं लेकिन जिसकी नहीं बनती उसकी सात तक भी इनफ uh, कर दी जाती है इतने में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ठीक है तो आपकी वो लाइनिंग बनाई जाती है वो लाइनिंग को देखा जाता है पहले छः दिन पे देखेंगे फिर दस दिन पे देखेंगे वो आपकी लाइनिंग पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम तक वो बन रही है ठीक है फिर आपका एक ना प्रोजेस्ट्रॉन का टेस्ट किया जाता है कि आपके बॉडी के अंदर प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कितना है वो देखा जाता है अगर वो बहुत ज़्यादा होता है तो वो साइकिल जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है उस साइकिल में आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं किया जाता अगर वो जो लेवल होता है वो ठीक होता है अब ना मेरी रिपोर्ट मुझे मिल नहीं रही है नहीं तो मैं आपको बता दी कि कितना लेवल होना चाहिए क्योंकि एक दो बार मेरा ऐसे हुआ कि अ, जो प्रोजेस्ट्रोन का लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा था तो मेरा जो वो साइकिल था वो मतलब कैंसिल कर दिया अगर वो लेवल बिल्कुल ठीक है तो उसके दूसरे या तीसरे दिन आपको डॉक्टर जो है वो शेड्यूल करते हैं आपका एम्ब ट्रांसफर वाली डेट शेड्यूल करते हैं मैं आपको बता दूं कि आज के दिन 28 फरवरी 2022 को मेरा एम्बर ट्रांसफर हुआ था तब ये हुए दोनों ठीक है आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है तो फिर आपको बुलाया जाता है और उस टाइम पे आपको ब्लैडर फुल करने के लिए बोला जाता है उससे पहले आपको प्रोजेस्ट्रॉन की दवाइयाँ दे दी जाती हैं जैसे आप ओरली भी उसको खा रहे होते हो और वजाइना के थ्रू भी आप उससे रख रहे होते हो आपको जेल दी जाती है जो कि आपको कई बार ऐसी जेल होती है जिसको आपको वजाइना में इंसर्ट करना होता है कुछ जेल ऐसी होती है जिसको आपको थाइस पे लगाना होता है तो वो प्रोजेस्ट्रॉन की जेल होती है ये सारी चीजें जब आपका जब आ, जिस दिन आपका का आ, ब्लड टेस्ट होना होता है उस दिन आपको स्टार्ट कर दी जाती है मेरा 25 फरवरी को हुआ था 2022 में सॉरी <coughs> 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 तो मेरा उस दिन हुआ था तो 25 तारीख से मैंने दवाइयां खानी स्टार्ट कर दी थी तो जैसे 26 27 और 28 को फिर मेरा आ, एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया जाता है फिर आपको बुलाया जाता है आपको ब्लैडर फुल करने के लिए बोला जाता है जब आप ब्लैडर फुल करके जाते हो आप कहा जाता है कि आप घर से ही ब्लैडर फुल करके जाना आप कुछ भी खा पी के जा सकते हो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको खाली पेट जाना है आप अच्छे से अपना खाना वगैरह खा के जाइए और वहाँ जाके आपको फिर दो दवाइयाँ दी जाती है मुझे दो बार जैसे मिली तो पता है एक छोटा सा कैप्सूल था और एक छोटी सी गोली थी वो आपको वहाँ पे फिर खानी होती है और ब्लैडर आपको फुल रखना है यानी कि आपको ऐसा लगे कि आपको बाथरूम जाने की ज़रूरत है ऐसा प्रॉपर आपका ब्लैडर फुल होना चाहिए फिर आपको अंदर जो ओटी होता है उसमें लेके जाते हैं वहाँ पे आपकी वजाइना को क्लीन करते हैं एक डॉक्टर के पास मतलब उनका सैनिटाइज़र वगैरह टाइप कुछ होता होगा वो थोड़ा सा आपको ठंडा ठंडा लगेगा आ, कोई घबराने की जरूरत आपको नहीं है उसमें कोई कट नहीं लगेगा कोई दर्द नहीं होगी आपको ट्रांसफर के टाइम पे कुछ नहीं होता पता भी नहीं चलता आपको सिर्फ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है अम्म क्योंकि आपने ब्लैडर फुल किया होता है थोड़ा सा प्रेशर तेज होता है आ, जैसे यूरन का प्रेशर तेज होता है तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है दर्द कट वगैरह कुछ नहीं होता अः आपको एक बेंच पे लिटा दिया जाता है और डॉक्टर्स होते हैं आपके जो फ्रीज किया हुआ एम्ब्रियो है उसको लैब से एकदम से निकालते हैं और एक बहुत ही पतली सी कैथेटर जो आपकी वजाइना में डाली जाती है और स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं बबल से आपको नज़र आएगा अगर आपका एक एम्ब्रियो है दो एम्ब्रियो है तो वो उस तरीके से होता है आपको दिखाया जाता है कि ये रहा आपका एम्ब्रियो यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र कर दिया है और Uh, मुझे तो उसी टाइम पे जब एम ट्रांसफ़र किया दो और तीन मिनट में ही डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि मैं यूरिन पास कर सकती हूँ मैंने कोई आधा घंटा पौना घंटा यूरिन होल्ड करके नहीं रखा सिर्फ उतने टाइम तक रखा जितनी टाइम तक मेरा एम ट्रांसफर उन्होंने किया नहीं था मतलब जिन तक था अंदर नहीं गया था और उसके दो या तीन मंडवान मैंने मुझे लगा भी मैंने डॉक्टर से पूछा कि मैं सारा यूरिन पास कर दूँ उन्होंने कहा हाँ सारा यूरिन आप पास कर सकते हो आपको उठना नहीं होता है जैसे हाफ बेंच होता है हमारी कमर तक का तो एक ना बेडशीट को डॉक्टर के पास के हॉस्पिटल्स में जो हरे रंग की वो जो हरी नीली बेडशीट्स होती है ना वो बहुत सारी बेडशीट को जैसे मैं इसके करके दिखाती हूँ आपको जैसे हम ऐसे होते हैं ना तो ऐसे हमारी लेग्स होती हैं तो यहाँ पूरे एरिए से लेके नीचे बाल्टी एक रखी होती है रखी हुई थी मतलब आपके पता नहीं कैसे हो वो पूरे यहाँ से लेके पूरे नीचे तक चद्दर मेरे पूरे ऊपर दे दी थी कि आवाज ना आए ऐसे थोड़ा अजीब सा ना लगे ए? तो यूरन मैंने पास किया और पूरा वो चद्दर के अंदर ही था तो वो मैं मतलब मैं कुछ ऐसा नहीं हुआ था मेरा बॉडी पे नहीं गया कहीं भी यूरन वो सीधा बाल्टी में गया तो इतनी देर में ही मैंने यूरिन पास कर लिया था और ऐसे ही पास कर लिया जाता है क्योंकि हिलता तो 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 रहेगा और आपको आवाज ऐसे गड़गड़ होती रहेगी और बैठना भी यहीं है उठ के नहीं जाना दादी ने बोला था आजा अंदर चले नहीं यहीं देखना है कि मैं क्या कर रही हूँ तो ऐसे होता है फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर और क्योंकि इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप ऐसा हॉस्पिटल चुनिएगा जहाँ पे लैब भी हो साथ ही में ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो दूर पार जाने की जैसे है ना कि आप चेकअप कहीं और से करवा रहे हो और आपके पूरे ट्रीटमेंट जो है वो कहीं और से चल रहे हैं कि आपको सिर्फ वो क्लिनिक ही है एक और जाना कहीं आपको दूर पड़ रहा है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता तो थोड़ा मुश्किल आपको फिर ऐसा लगता है कि इतनी दूर से आना जाना थोड़ा मुश्किल होता है पहले पहले तो हम कर लेते हैं लेकिन बाद में कई बार जैसे अब मेरा फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुए मेरे फुट फ्रीज किए हुए थे तो बा, कई बार मैं हॉस्पिटल जाती थी और बार बार जाना आना मुश्किल होता है तो अपने हॉस्पिटल को देखते समय चुनते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखिए इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो भी बनाई है आप चाहो तो उसको देख सकते हो अगर आपका कोई ऐसा ही सवाल है तो जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा मुझे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिए ताकि आप मुझे वहां पे भी देख सकें तो चलिए मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपका बनता ही है तो मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में तब तो तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय 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 करूँ Bye bye.